हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास जो कि बहुत ही अच्छा है और आपको पसंद भी आएगा। मैं आज आपको बताऊंगी घर में वैक्स बनाना किस तरीके से आप घर में वैक्स बना सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो। वो भी एक और अच्छी बात है कि घर में जो आप वैक्स बनाएंगे और जो मैं बनाना बता रही हूँ वो बिना पट्टी के बहुत आसानी से हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि पट्टी लें या ना लें, आपको बिना पट्टी की हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि रिका वैक्स या बीन वैक्स ही ऐसे है जो बिना पट्टी की होती है, बट घर में बनी हुई वैक्स हमेशा आपको दिखाई जाती है। कि कपड़ों की पट्टी से कैसे करें या रेडीमेड पट्टी से करें, वैक्स शेयर करूंगी आपके साथ, वो आप बिना पट्टी के आराम से कर लेंगे, अपने फेशियल रिमूव कर लेंगे, अपने अंडरआर्म्स पार्ट कर लेंगे, जहाँ कहीं भी आप कर सकते हो। हैंड्स पे लेंस पे बहुत अच्छी है और हर्बल भी है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट आपका बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से बनेगी। तो मैंने, आपने देखा होगा कि वैक्स में ज़्यादातर शहद हानि की वैक्स होती है, बट मैंने यहाँ पर अपनी वैक्स में यूज़ किया है सिर्फ चीनी और नींबू और थोड़ा सा पानी। अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसमें ग्लिसरीन भी कर सकते हैं, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया है। तो आप वो भी कर लेंगे काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी अच्छी होती है वैक्स जो हम खुद बना सकते हैं। और आप बाहर नहीं जा सकते तो ऐसा नहीं कि आप बाहर से वैक्स खरीद के लाएं, आप इतनी क्वांटिटी बना लेंगे कि आप अच्छे से लेग्स और हैंड्स पे कर पाए, या जहाँ भी आपको करनी है उतनी क्वांटिटी उसके अनुसार। मैं यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी ले रही हूँ, लेकिन आप उस क्वांटिटी को उतना ही बढ़ा सकते हैं और उसको चेक करने का तरीका भी बताऊँगी। किसी भी तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप पट्टी भी यूज़ करना चाहते हैं तो जींस की या कॉटन की भी ले सकते हैं, ताकि आपको रेडीमेड परचेज ना करनी पड़े। क्योंकि जब हमने सीखा था तो हम इसी तरीके से करते थे, हम जींस की या कॉटन की पट्टियाँ यूज करते थे, बट आजकल तो सब कुछ रेडीमेड आ गया है। और वैक्स में क्या ध्यान रखें, शिकायत होती है कि बोलते हैं मैम मुझे वैक्स के बाद खुजली सी हो गई थी या दाने हो गए हैं, वो हमारी गलत डायरेक्शन के कारण होते हैं, जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। गलत डायरेक्शन क्यों, आधे टूट जाएंगे और ढंग से निकलेंगे भी नहीं, तो वहां पर हमें दाने होने की प्रॉब्लम होती है। और कई बार आपने देखा होगा बॉडी पे, जो हमारी बॉडी पे हम वैक्स करते हैं उनमें बहुत ज्यादा दाने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पेट की डायरेक्शन अलग होती है और नेक की अलग होती है और नीचे बैक की अलग होती है, सारी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो क्या होता है, कई बार लड़कियां होती हैं जिन्हें पता नहीं होता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में पट्टियां खींचती चली जाती हैं, जिसके कारण बाद में दाने होते हैं। तो मेन कारण होता है हमारे दाने का, वैक्स की पट्टी का सही से ना खींचना। क्योंकि डायरेक्शन उल्टी होगी तो बाल भी टूटेंगे और दाने भी निकलेंगे। अगर आपकी करें कि डायरेक्शन बिल्कुल अच्छी है तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप खास ध्यान रखें, अगर बाय चांस किसी की ऑयली स्किन है तो उसको भी दाने निकल आते हैं, या किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उसको इचिंग जैसा हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या ध्यान रखें, आप हमेशा वैक्स करने के बाद या तो एस्टेंजन यूज़ करेंगे, उससे थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट भी आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से आपके दाने बैठ जाएंगे। या फिर अगर एस्टेंजन नहीं है आपके पास तो आप थी आइस यूज़ करेंगे, बर्फ़ लेंगे, बर्फ़ का टुकड़ा, और डायरेक्टली हाथों पे अच्छे से लगा देंगे। 2 मिनट के बाद ही आपको सारे दाने में बैठे कम नजर आएंगे और रेडनेस भी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आपको फेस पे भी आपने देखा होगा कि हमारे स्किन पे प्रॉब्लम क्यों होती है, आप कई बार बोलते हो मैम मैंने वैक्स कराई थी मेरे फेस पे, हमारे हाथों के अकॉर्डिंग हमारे फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम यहाँ की वैक्स कर रहे हैं तो आप एकदम से ऐसे नहीं खींचेंगे, आप स्किन को पकड़ेंगे और तब खींचेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे और उसके बाद लास्ट में एस्टेंजन जरूर लगाएंगे। एस्टेंजन बहुत धीरे धीरे स्किन को बहुत अच्छा काम करता है। स्किन में कोई भी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो स्किन में पिंपल्स क्यों ना हो, छोटे छोटे, या खुजली क्यों ना हो, उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। रखेंगे एस्टेंजन जरूर रखेंगे अपने पास, वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे काम करेगा किसी भी एलर्जिक प्रॉब्लम में, चाहे वो वैक्स के बाद हो, चाहे वो आईब्रो के बाद हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बाद हो, आपको एलर्जी हो रही है तो उसको हल्का सा कॉटन पे लेंगे और डैब डैब करके लगा देंगे, 2 मिनट बाद ही आप रिजल्ट देख लेंगे, बहुत आसानी से बैठ जाएंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो गई है या टैनिंग हो गई है तो आप वैक्स के बाद स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब हमारी पूरी डेड स्किन को रिमूव कर देगा और टैनिंग को भी बहुत कम करेगा और काफ़ी अच्छा ग्लो भी आएगा हमारी वैक्स के बाद। तो ये बहुत अच्छे टिप्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और वीडियो में जाने से पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ढेर सारा लाइक जरूर करें। वैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं चीनी का उपयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं 3 ईयर से खांड यूज़ करती हूँ, या आप ब्राउन शुगर ले सकते हो, और आप चीनी यूज़ करते हो तो चीनी भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पर खांड का यूज किया है। 2 टेबलस्पून खांड ली है और 2 नींबू का रस लिया है। दोनों नींबू के रस को अच्छी तरह से काट लेंगे और छलनी में से छानेंगे ताकि उसके बीज बिल्कुल भी ना आए। मैं पहले कटोरी में निकाल लूँगी इस तरीके से सारा रस। और मैं चीनी का यूज़ क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड प्रॉब्लम है और चीनी वेट को ज़्यादा बढ़ाती है, इसीलिए मैं खांड का यूज़ करती हूँ अपने दूध में, किसी भी खाने की चीज़ में और चाय में भी। तो यहाँ पर मैंने वैक्स के लिए भी खांड ही यूज़ किया है। आप चाहें तो चीनी का यूज़ कर सकते हैं आसानी से, या शहद का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से छलनी में से छान लेंगे अपने नींबू के रस को।
दो नींबू का रस निकाला है और उतनी एक कटोरी पानी लेंगे जितना कि हमारे पास नींबू था, और दो चम्मच टेबलस्पून खांड या चीनी या फिर शहद, आप कुछ भी ले सकते हो, और उसे धीमी आंच पर पकाएंगे। गैस चला रहे, शुरू में थोड़ा तेज़ रखेंगे जब तक उबाल नहीं आ जाएगा। ये छोटे से पतीले में चढ़ाया है मैंने, थोड़ी तेज़ है, और जब उबाल आ जाएगा इस तरीके से तो आप गैस को स्लो कर देंगे बिल्कुल, ताकि धीमी आँच पर ये पकता रहे, और आप बीच में चेक करते रहेंगे ताकि ये तले में ना लगे, और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा आपका। ये देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है, और इसका कलर भी बिल्कुल चॉकलेट की तरह हो जाएगा, जबकि मैंने खांड यूज़ किया है, और चीनी होता तो हल्का सा लाइट सा कलर दिखाई देता। और इसका चेक कैसे करेंगे, जब ये बन जाएगा आपको देखना है, इसका चेक करने के लिए तो पानी में डालेंगे इसकी बूंद। आप देख रहे हो पानी के ऊपर तैर रही है हमारी वैक्स, पानी के ऊपर बिल्कुल तैर रही है, और ये थोड़ी पानी में घुल भी रही है, तो ये बनी नहीं है। ये हमारा तरीका चेक करने का, और जब ये बन जाएगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब लेंगे थोड़ा उबाल, ज़्यादा अच्छा आ गया है, ये पानी के बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी, ऊपर तैरेगी नहीं। आप देख रहे हो बूंद डालते ही पानी के नीचे बैठ गई, और बिल्कुल भी फैल नहीं रही है। अब मैं जैसे ही इन्हें निकाल के देखूंगी तो ये आप देख रहे हो हाथ में भी आ जाएगी हमारे, जैसे बीन वैक्स के दाने होते हैं उस तरीके से, और ये घुलनी नहीं चाहिए। अगर आपके पानी में घुल रहे तो बिल्कुल भी बनी नहीं है, थोड़ा सा और पकाएंगे, और ये इस तरीके से इसका टेस्ट हो जाएगा कि बिल्कुल बन गई है। आप वैक्स की शक्ल भी देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, जैसे चॉकलेट वैक्स का लुक हो, क्योंकि खांड से बनाई है तो इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। और इस एक कटोरी में निकाल लेंगे सारी वैक्स को आप, क्योंकि इसे हमें थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। निकालने के बाद आप पतीले को पानी में गीला कर देंगे, क्योंकि ये हटेगी नहीं तो। और इस तरीके से एक बाउल लेंगे, बाउल में पानी लेंगे, और पानी के ऊपर अपनी वैक्स को रखेंगे, और हाथ लेंगे जहाँ पर आप करना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर पाउडर डाल लेंगे, कोई भी पाउडर, या मैं जेंसन बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, सॉरी जॉनसन बेबी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नाइफ़ लिया, अगर आपके पास वैक्स का नाइफ़ नहीं है तो आप अपना बटर नाइफ यूज़ कर सकते हैं, या आइसक्रीम स्टिक, और इस तरीके से लगाएंगे और देखेंगे, हाथ से उखाड़ेंगे, कोई स्टिक का यूज़ नहीं किया है मैंने, बहुत आसानी से हो जाएगी ये, इस तरीके से उखड़ेगी, और बाल बिल्कुल रिमूव कर देगी। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो, मैं आपको बड़ा स्क्रीन करके दिखा देती हूँ इधर, इस तरीके से। और अपने फेस पे, फोरहेड पे, अपलिप पे कहीं भी कर सकते हो। सेकंड बार करके दिखा रही है, देखोगे कितनी आसानी से हटेगी। हल्का सा लगाएंगे, फिर डैप डैप करेंगे, और जब सूख जाएगी तो आसानी से हटा देंगे, इस तरीके से। आप चाहे तो पूरे में कर सकते हो। वैक्स करने का तरीका मैंने आपको थोड़ा सा ही करके दिखाया, चाहे तो फुल हैंड पे कर सकते हैं, और मैंने क्वांटिटी उतनी ही बनाई थी जितना कि मैं आपको टेस्ट करके दिखा सकूं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी वैक्स बन रही होगी उसका ट्रायल जरूर करेंगे, जैसे मैंने कटोरी में पानी में डाल के दिखाया। अगर आपकी वैक्स परफेक्ट बन गई होगी तो वो पानी में एक बूंद की जगह बैठेगी, वरना तो वो पूरे में फैल जाएगी। आप वैक्स बना के देख सकते हैं, और बनाएंगे तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि मैम ऐसी बनी है या वैसी बनी है या अच्छी बनी है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।